लहसुन की कालाबाजारी करने वाली टोली शहर में सक्रिय हो गई है, जो नागरिकों को आर्टिफिशियल तरीके से निर्माण किया गया लहसुन बेचकर नागरिकों को शारीरिक व आर्थिक रूप से ठगने का काम कर रही है। आर्टिफिशियल तरीके से निर्माण किए गए मुर्गी के अंडे तथा चावल के बाद अब आर्टिफिशियल तरीके से निर्माण किया गया लहसुन भी शहर में चर्चा का विषय बन गया है। गली गली में कम दामों पर यह आर्टिफिशियल लहसुन बेचकर नागरिकों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन दिनों लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लहसुन 450 रुपए किलो तक पहुंच गया था। लहसुन महंगा होने के कारण लहसुन की कालाबाजारी करने वालों ने शक्ल लड़ाकर आर्टिफिशियल लहसुन बेचकर नागरिकों को ठगने का काम किया जा रहा है। अकोला शहर के अधिकांश परिसर में सब्जियां बेचने वाले कुछ विक्रेता यह डुप्लीकेट लहसुन बेच रहे हैं। अकोला शहर के बाजुरिया नगर परिसर में रहने वाले सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी सुभाष पाटिल के परिवार के साथ यह धोखाधड़ी होने की घटना सामने आई है। सुधाकर पाटिल की पत्नी ने घर के सामने आए एक सब्जी विक्रेता से एक पाव लहसुन खरीदा था। आज सुबह जब वह सब्जी बनाने के लिए लहसुन छील रही थी, तब एक आर्टिफिशियल लहसुन की गांठ हूबहू ओरिजिनल लहसुन के जैसी दिख रही थी। आर्टिफिशियल तरीके से सीमेंट का उपयोग कर इस लहसुन का निर्माण किया गया था। लहसुन छीलते समय उसकी पंखुड़ियां अलग नहीं हो रही थी। चाकू की सहायता से कटने के बाद यह लहसुन की गांठ सीमेंट की सहायता से निर्माण करने की बात सामने आई, जिस पर लहसुन की तरह सफेद रंग भी लगाया गया था। शहर में फिलहाल 300 रुपए से लेकर 350 रुपए किलो में लहसुन बिक रहा है, जिसके चलते लहसुन की कालाबाजारी करने वाली टोली शहर में सक्रिय हो गई है। असली लहसुन में कुछ नकली लहसुन मिलाकर नागरिकों को ठगने का काम किया जा रहा है। यह देखते हुए घर के सामने सब्जी बेचने वालों से लहसुन खरीदते समय नागरिक सतर्कता बरते, ऐसा आवाहन किया जा रहा है। राणा बाजुरिया नगर हिंगना रोड अकोला। माझ्या हाती हे दोन लसणाचे गाठे दिसत आहे। त्यापैकी हा लसण ओरिजिनल आहे आणि हा लसण आर्टिफिशियल म्हणजे नकली आहे। काल फेरीवाले जे येतात भाजीपाला विकणारे, त्याच्याकडून माझ्या मिसेसनी लसण घेतला। त्या लसणाच्या गाठ्यामध्ये एक गाठा असा निघाला की तो हुबेहूब दिसायला लसणाच्या गाठ्यासारखाच होता आणि त्याचे वजन जवळपास 100 ग्रॅमच्याही वर आहे। तो लसण स्वभायला घेतला असता तो निघत नव्हता, म्हणून चाकूने कापला तर आतमध्ये पूर्ण सिमेंटचा गोळा निघत आहे। आणि लसणाचे भाव सध्या गगनाला भिडलेले असल्यामुळे काही फेरीवाले, काही किरकोळ विक्रेते त्यांच्या थोड्याफार फायद्यासाठी ग्राहकांची अशी घोर फसवणूक करत आहेत। तरी लसण घेताना किंवा इतर कुठलंही सामान घेताना काळजीपूर्वक नीट पारखूनच घ्यावे, असे मी जनतेला आवाहन करतो।